नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। और हम अपनी आज की क्लास में पढ़ेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या है और हॉर्टिकल्चर की शाखा कितनी है या भाग कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर के भाग पढ़ा था, तो उसी एग्रीकल्चर भाग में से है दोस्तों ये प्लांट साइंस का दूसरा भाग है हॉर्टिकल्चर। पहला कौन था? एग्रोनॉमी था, और दूसरा है ये हॉर्टिकल्चर। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। ठीक है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर दो शब्द से मिलाकर के बना है। तो पहला शब्द क्या है? हॉर्टस, यानी कि क्या होता है दोस्तों? हॉर्टस मीन्स घेरा या उद्यान। ठीक है दोस्तों, हॉर्टस मीन्स क्या होता है? घेरा या उद्यान। और दूसरा शब्द क्या है दोस्तों? दूसरा है कल्चर। दूसरा क्या है दोस्तों? कल्चर यानी कि कल्टीवेशन। ठीक है दोस्तों, कल्टीवेशन से तात्पर्य यानी कि आपका खेती, यानी कि दोस्तों घेरा बना करके खेती करना ही आपका हॉर्टिकल्चर है। ठीक है दोस्तों, घेरा बना करके जो फसल हम घेरा बना करके करते हैं दोस्तों, वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि सब्जी जो लगाते हैं वो घेरा बनाकर लगाते हैं, फल लगाते हैं तो घेरा बनाकर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, फूल लगाते हैं तो घेरा बना करके लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो जिस फसल को हम घेरा बना करके लगाएं वो है हॉर्टिकल्चर। यानी दोस्तों आप लोग देखे होंगे आपके घर के अगल बगल जो आप लोग सब्जी लगाते हैं तो उसको आप लोग घेर देते हैं, तार से घेर देते हैं या रस्सी से घेर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? हॉर्टिकल्चर। तो दोस्तों एग्रोनॉमी में हम लोग को फील्ड क्रॉप के बारे में पढ़ना है, यानी कि क्षेत्रीय फसल, यानी कि जो दूर दूर तक हो। जैसे जैसे दोस्तों गेहूं हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, तो हम लोग कई कई एकड़ में हम लोग धान गेहूं लगाते हैं, तो सबको तो हम लोग घेर तो सकते नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्षेत्रीय फसल के रूप में हमको उसको पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिसको हम लोग घेर करके लगाते हैं तो वो उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग देखिए ये घेरे हुए हैं, तो इसमें हम लोग घेर करके क्या लगाते हैं? सब्जी लगाते हैं, फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? मतलब जिस फसल को हम घेरा बनाकर लगाएं वो है उद्यान विज्ञान है, सिंपल सा बात है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम हॉर्टिकल्चर का परिभाषा जानते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर का परिभाषा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हॉर्टिकल्चर का परिभाषा, किसी घिरे हुए स्थान में फल, सब्जियों एवं फूल वाले या अलंकृत पौधों, ठीक है दोस्तों, अलंकृत पौधों को उगाना ही उद्यान विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक घिरे हुए स्थान में क्या है? स्थान में फल, सब्जी, ठीक है दोस्तों, और फूल या अलंकृत पौधों को उगाना, यानी कि जो देखने में सुंदर पौधे होते हैं वो उसको उगाना ही आपका उद्यान विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसमें देखते हैं, एक नोट है। नोट क्या है कि जब किसी स्थान पर हम केवल फल वाले पौधे लगाते हैं तो उन्हें हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो जब किसी स्थान पर हम सिर्फ फल वाले पौधे लगाएंगे तो उन्हें हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा परिभाषा क्या है और नोट में क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर के कितने भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन से वो होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि उद्यान विज्ञान की शाखा एवं भाग कौन कौन है। तो देखिए इसमें पहला है साग उत्पादन यानी कि सब्जी उत्पादन, दूसरा है दोस्तों फ्लोरिकल्चर यानी कि फूल उत्पादन। तो दोस्तों देखिए उद्यान विज्ञान की शाखा कौन कौन है। पहला है साग उत्पादन यानी कि ओलेरिकल्चर, ठीक है दोस्तों, यानी कि साग उत्पादन यानी ओलेरिकल्चर। दूसरा है फूल उत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर। तीसरा है दोस्तों फल उत्पादन यानी पोमोलॉजी। चौथा है दोस्तों पौधशाला विज्ञान व फलोधान प्रबंध, ठीक है दोस्तों, यानी कि नर्सरी हस्बेंड्री एंड ऑर्चर्ड मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, पांचवा है फल प्रौद्योगिकी। पांचवा क्या है दोस्तों? फल प्रौद्योगिकी यानी कि फ्रूट
टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों, फल प्रौद्योगिकी यानी कि फ्रूट टेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्तों इन सभी का अब हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, ये पांचों जो शाखा है इन सभी का हम परिभाषा जानते हैं। तो दोस्तों इन सभी का डिफिनेशन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर हम क्यों पढ़ते हैं और हमारे लिए हॉर्टिकल्चर पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और फिर हम जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों उद्यान विज्ञान जो है कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है दोस्तों। उसके अंतर्गत हम लोग बहुत सी क्रियाएं जैसे दोस्तों पेड़ व पौधों की काट छाट करना, ठीक है दोस्तों, पौधों की परासरण की विधि दोस्तों, पौधों को एक स्थान से उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगाना। तो क्या क्या है दोस्तों, पेड़ व पौधों को काट छाट करना, पौधों में परासरण की विधियां और पौधों को एक स्थान से उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगाना। तो दोस्तों इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमारे पास इस विशेष प्रकार का अनुभव होना चाहिए या कोई तरीका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन क्रियाओं के बारे में भी हमें विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों कौन सी विशेष ज्ञान होनी चाहिए हमारे पास कि ये क्रियाएं क्यों करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये जो सभी क्रियाएं हैं हमें क्यों करनी चाहिए, किस समय पर करनी चाहिए दोस्तों, इनको न करने से क्या नुकसान होगा, ठीक है दोस्तों। क्या क्या है कि हमें ये क्रियाएं क्यों करनी चाहिए और किस समय पर करनी चाहिए और इनको न करने से हमें क्या क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों अगर हम समय पर पौधों में काट छाट नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, पौधा एक ऊंचाई पर जाकर के रुक जाएगा। काट छाट करने से क्या होता है कि नीचे की जब शाखाओं को हम काट देते हैं तो ऊपर पौधा अपने आप ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें जानना जरूरी है कि हम काट छाट क्यों करते हैं, किस समय पर करेंगे और दोस्तों इनको नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी को मिला करके हम उद्यान विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, इन सभी को जानने के लिए ही हम उद्यान विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन सभी का डिफिनेशन क्या है, जो उद्यान विज्ञान के पांच शाखा है दोस्तों, तो इन सभी का डिफिनेशन क्या है अब हम जानते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्या है, साग उत्पादन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम जानते हैं पहला क्या है, ओलेरिकल्चर, ठीक है दोस्तों। ओलेरिकल्चर भी आपका ये लास्ट में कल्चर है तो ये क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है दोस्तों, ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है ओलेरिकल्चर। तो चलिए दोस्तों डिफिनेशन जानते हैं, साग उत्पादन यानी कि दोस्तों ये उद्यान विज्ञान का एक शाखा है, ठीक है दोस्तों। उद्यान विज्ञान के पांच शाखा है, पांच शाखा में से पहला है साग उत्पादन, ठीक है दोस्तों। तो ये उद्यान विज्ञान का एक शाखा है और इसमें हम लोग साग भाजी से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सब्जी को हम लोग कैसे उगाएंगे, कैसे उसमें कीट लगेगा तो दवा देंगे, ठीक है दोस्तों, रोग लगेगा तो दवा देंगे, तो उसी सब का हम लोग इससे संबंधित में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों, साग उत्पादन में। तो चलिए दोस्तों नंबर टू चलते हैं, नंबर दो जानते हैं दोस्तों। नंबर दो क्या है कि पुष्प उत्पादन यानी दोस्तों फ्लोरिकल्चर, ये भी जो शब्द है दोस्तों ये भी लैटिन भाषा का शब्द है जो देखिए लास्ट में कल्चर लगा है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका डिफिनेशन जानते हैं, इसमें हम लोग अलंकृत पौध अलंकृत अथवा तो दोस्तों इसमें हम लोग अलंकृत अथवा फूल वाले पौधे से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम पुष्प उत्पादन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अलंकृत अथवा फूल वाले पौधे का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उन्हें हम पुष्प उत्पादन बोलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नंबर थ्री, नेक्स्ट है दोस्तों नंबर थ्री, इसमें देखिए फल उत्पादन यानी कि पोमोलॉजी, ये दोस्तों शब्द जो है पोमोलॉजी ये क्या है आपका लैटिन प्लस ग्रीक दोनों है, ठीक है दोस्तों, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों शब्द है कि मैं दोस्तों जो पोमो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और जो लॉजी है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों है लैटिन प्लस ग्रीक। तो चलिए इसका डिफिनेशन जानते हैं, इसमें हम फल वाले पौधों को उगाने से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। फल उत्पादन में क्या है कि हम फल कैसे उगाएंगे, किस मौसम में कौन सा फल उगाना है, इसका हम लोग दोस्तों इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर चार, नंबर चार क्या है दोस्तों, पौधशाला विज्ञान या फलोदान प्रबंध, नर्सरी हस्बेंड्री एवं ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसमें हम नर्सरी एवं उद्यान से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या दोस्तों, नर्सरी
हम कैसे उगाएंगे उसके बारे में हमको अध्ययन करना है, और उद्यान से संबंधित, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑर्चर्ड से संबंधित, तो उसमें क्या दोस्तों फल हम कैसे उगाएंगे तो उससे संबंधित हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं नंबर पांच। नंबर पांच क्या है दोस्तों, फल प्रौद्योगिकी यानी कि फ्रूट टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम फल एवं सब्जियों के परिरक्षण का ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। फल एवं सब्जियों को परिरक्षण कैसे करते हैं उसका हम लोग ज्ञान करते हैं। तो दोस्तों परिरक्षण क्या है कि किसी फल एवं सब्जियों को खराब हुए बिना अधिक समय तक रखा जा सके उसे हम परिरक्षण बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि किसी मौसम में फल एवं सब्जी, आप लोग देखे होंगे कि फल भी अधिक आ जाते हैं, सब्जी भी अधिक आ जाते हैं, तो उनकी जो दाम होता है वो गिर जाता है, जो मूल्य होता है दोस्तों कम हो जाता है, तो दोस्तों बहुत सी मात्रा खराब हो जाती है। तो उन्हीं मात्राओं को दोस्तों, उन्हीं सब फल सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग परिरक्षण करते हैं। परिरक्षण करने से क्या होता है दोस्तों कि जो सब्जियां एवं फल बाजार में अधिक मात्रा में आ जाने के कारण जो खराब हो जाते हैं तो उन्हीं को हम खराब होने से बचा सकते हैं और उनकी बाजार में गिरते हुए कीमत को रोक सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग परिरक्षण करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।